हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हुई है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और टेस्टी भी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जैसा कि आपको देखकर ही पता चल गया होगा, ये मैंगो की चटनी है, हरे मैंगो की चटनी है जो हर साल मैंगो सीजन में सभी के घरों में बनती है। तो खट्टी मीठी चटनी है। इस चटनी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरे आम। 2 केजी हरे आम है। इसको मैं अच्छे से धोकर छीलकर और छिलके निकालकर मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये चटनी। तो हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं पहले। अच्छी तरह से सारे गुठलियों में से निकाल लेंगे जितना निकल सकता है और फिर सबको कट कर लेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये हमारी मैंगो कट चुकी है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद कुछ खड़े मसाले मैं डालूँगी, जिसमें जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, मंगरेला है और कुछ तेज पत्ते, कुछ रेड चिली। सब एक एक टीस्पून ले रही हूँ। आप जितना बनाओगे उसके हिसाब से क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैं डाल दे रही हूँ कटे हुए आम। कटे हुए आम डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच काले नमक। बस ये काला नमक है, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और मैं एक छोटी चम्मच डाल दूँगी हल्दी पाउडर थोड़े से कलर आने के लिए। और फिर मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट तक। 5 मिनट तक ढकने के बाद, बीच बीच में आप एक बार चला लें। 5 मिनट ढकने के बाद ये आम अच्छी तरह से पक जाती है, 70% कुक हो जाती है। इतना कुक कर लें आप। फिर कुक करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। पहले मैं 2 कप डाली थी, फिर टेस्ट के हिसाब से जितना चीनी मीठा चाहिए था उतना मैं फिर से 1 कप और ऐड करूँगी। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कप्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने टोटल 3 कप्स यूज़ किए हैं इसमें। फिर चीनी पकने तक हम इसको पकने देंगे ढककर। अच्छी तरह से चीनी पक जाए एक बार आप टेस्ट कर लें। आप अपने अकॉर्डिंग जितना टेस्ट आपको चाहिए उतना चीनी ऐड कर लें। चीनी ऐड करने के बाद इसमें डाल दूँगी कुछ, देखिए इस तरह की दिखती है चीनी पक जाने के बाद, मेल्ट हो जाती है अच्छी तरह से और फिर कलर इसका चेंज हो जाता है, थोड़ा लाल जैसा रंग आ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें दो चम्मच जितना ये भुना हुआ जीरा पाउडर है और 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे तो इसलिए मैं ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, तीखा मीठा खट्टा, तो आप पहले लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा कर दें और रेड चिली पाउडर भी आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हम 1-2 मिनट और इसको पकने देंगे चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर। और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे निकालें और सर्व करें।
ये किसी भी पराठे रोटी कुछ भी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और गाइस इसे आप डब्बे में भर कर आप फ्रिज में रख सकते हो, 1 मंथ जितना भी मर्जी करे रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।